गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल रेलवे पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज नंबर 84 लेकर आया हूं। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भारत निर्माण योजना संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत निर्माण योजना ग्रामीण ढांचागत विकास से संबंधित है। भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना की शुरुआत की थी। यह योजना 6 क्षेत्रों पर केंद्रित थी जो है सिंचाई, सड़कें, आवास, पानी की आपूर्ति, विद्युतीकरण, ग्रामीण संचार। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके तहत तो गांव की ओर एक कदम की नीति को स्वीकार किया गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। निम्न में कौन सा सुमेल जो असत्य है? तो सेंट्रल लोकोमोटिव फैक्ट्री बिजली इंजन है, सही है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डीजल इंजन है। टाटा इंजीनियरिंग जो वर्क्स है वो भाप इंजन है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इंजन और कोच है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सुमेल असत्य है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इसके द्वारा मुख्यतः रेल का सवारी डिब्बा बनाया जाता है। सेंट्रल लोकोमोटिव फैक्ट्री चितरंजन में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री वाराणसी में स्थित है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद अपने सलार जंग संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता में स्थित है जिसे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी कहते हैं। और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है। इसका आधुनिक नाम छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय विक्टोरिया गार्डन के अंदर स्थित है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। कोणार्क सम्मान कौन प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोणार्क सम्मान जो है उड़ीसा सरकार प्रदान करती है। यह पुरस्कार कला के संरक्षण के उद्देश्य से दिया जाता है। उड़ीसा की सहायता से ही यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और राष्ट्रीय कबीर सम्मान, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान और राष्ट्रीय कालिदास सम्मान आदि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। बंगबंधु पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ। पुरस्कार जीतने वाली फिल्म तारे जमीन पर का निर्देशन निम्न में से किसने किया था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार जीतने वाली फिल्म तारे जमीन पर का निर्देशन आमिर खान ने किया था। इस फिल्म का पटकथा लेखन तथा सृजनात्मक निर्देशन अमोल गुप्ते ने किया था। यह फिल्म वर्ष 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने वर्ष 2008 में फिल्मफेयर अवार्ड जीता था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर छः की तरफ। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो हमारा हो जाएगा मधुमिता रावत पोषाहार वैज्ञानिक है, इंदिरा चक्रवर्ती ओडिसी नृत्यांगना। ये हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सुमेल नहीं है। तो इंदिरा चक्रवर्ती हैं क्या? तो इंदिरा चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ और पर्यावरणविद है। और मीरा भाटिया विधि वेता है और साध्वी साधना गृहिणी चिकित्सक है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सात की तरफ। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थल स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए, विल्ला गोवा में स्थित चर्च और कैथेड्रल यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। गोवा के चर्च तथा कॉन्वेंट्स को 1986 में विरासत सूची में शामिल किया गया। इन स्मारकों का निर्माण 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने करवाया था। 16वीं सदी के दौरान यह चर्च तथा कॉन्वेंट्स एशिया में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के प्रतिनिधि केंद्र थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ। भारत में वीरता केवल वीरता का पुरस्कार के प्रथम दो सर्वोच्च पुरस्कार हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र व महावीर चक्र। पर भारत में वीरता के दो प्रथम सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र व महावीर चक्र हैं। अशोक चक्र शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और वीरता के मामले में महावीर चक्र के पश्चात वीर चक्र तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। और परमवीर चक्र से सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा को सम्मानित किया गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नौ की तरफ। सुमेलित कीजिए सूची वन से सूची टू को। माइकल मधुसून दत्त प्रख्यात कवि थे। नंदलाल बोस चित्रकलाविद है। लच्छू महाराज प्रख्यात कथक नर्तक है। और पंकज मालिक जो है वह प्रख्यात संगीतज्ञ है। तो इसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायडू ट्रॉफी शतरंज खेल से संबंधित है। वीवी शास्त्री ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, दुबई कप, हवाई ट्रॉफी आदि शतरंज से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं। शतरंज खेल की उत्पत्ति जो है वो भारत में हुई थी। और शतरंज बोर्ड में कुल 64 खाने होते हैं। वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। और वाटर पोलो में प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अब पोलो का जो प्राचीन नाम है वो चौगान था। और चौगान खेलते हुए
घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीनी आक्रमण के बाद हुआ और सीमा सुरक्षा बल का गठन सन 1965 में हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी उदयपुर में स्थित है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक चला था और ITBP का गठन 24 अक्टूबर 1962 को किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 2012 के संसदीय चुनाव में म्यांमार में आंग सान सू की के नेतृत्व में किस पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2012 के संसदीय चुनाव में म्यांमार में आंग सान सू की के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी दल को उल्लेखनीय विजय मिली। म्यांमार में फरवरी 2021 में सेना द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। म्यांमार एक एशियाई देश है जिसकी राजधानी नेपाइताव है और म्यांमार की संसद का नाम प्यूदांगसू हलुताव है और म्यांमार की मुद्रा जो है वो क्यात है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्न में किसे उद्यान कहा जाता है परंतु वास्तव में उद्यान नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता के ईडन गार्डन को उद्यान कहा जाता है परंतु वास्तव में उद्यान नहीं है। ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, और मैसूर के वृंदावन गार्डन का निर्माण 1932 में मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल द्वारा बनाया गया था और कश्मीर के शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मात्र 16 वर्ष की आयु में नृत्यांगना सितारा देवी को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक का उद्भव कथा शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। कथक को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत में पहली बोलती फिल्म थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा। भारत में पहली प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा थी। 1931 में आलम आरा जो फिल्म के निर्देशक आदेशर ईरानी थे। राजा हरिश्चंद भारत में निर्मित प्रथम फिल्म थी। इसके निर्देशक दादा साहब फाल्के थे। 1913 में भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चाटन है। भारत में प्रसारित प्रथम धारावाहिक सीरियल जो है हम लोग था, यह 1984 में प्रसारित हुई थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। संस्कृति किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है जिससे देश, जाति या समुदाय के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिसके सहारे वो अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों आदि का निर्धारण करता है। संस्कृति में बदलाव सभ्यता के विकास की निरंतर प्रक्रिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका जगह ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट 1958 में पारित हुआ था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा की जो स्थापना है 1958 में हुई थी। नासा का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। नासा की स्थापना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजन आवर थे। ड्वाइट डेविड आइजन आवर भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयराम रमेश। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक जयराम रमेश हैं। जयराम रमेश भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता है। राजीव वर्ड आदि पुस्तक सोनिया गांधी द्वारा लिखित है। वेन लाइफ इज नॉट इनफ, वॉकिंग विद लायंस, लीगेसी ऑफ नेहरू आदि पुस्तक के लेखक नटवर सिंह है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1969 में हुई थी। सर्वप्रथम देविका रानी रोरिक को इस पुस्तक से सम्मानित किया गया था और यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार है। और राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, इसका नाम बदल कर दिया गया है, सर्वोच्च भारतीय खेल सम्मान है। और राजीव गांधी खेल रत्न का जो नयन का जो अवार्ड का जो नाम है वो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार डैश है?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 साल के निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न भारत का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसका कि अब नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अर्जुन अवार्ड दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस प्रकार हमारा आज का 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। विक्टोरिया गार्डन को वर्तमान में जीजा माता उद्यान के नाम से जाना जाता है। उड़ीसी नृत्य के प्रयुक्त छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिया गया है। कर्नाटक का हम्पी समूह तथा राजस्थान का जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ का किला विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट थी और शर्मिष्ठा नामक नाटक माइकल मधुसूदन द्वारा रचित प्रथम बंगला नाटक था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में देश भर से चयनित भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह हैदराबाद में स्थित है। और म्यांमार थाईलैंड और लाओस को स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं। मालाबार पहाड़ी के शीर्ष भाग पर स्थित हैंगिंग गार्डन का निर्माण 1881 में किया गया था और कथक नृत्य को ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। और भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी, इसका प्रदर्शन 1937 में हुआ था। आश्रम व्यवस्था का पालन करते समय धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। और रणथंभौर टासर्स रियल पुस्तक के लेखक प्रियंका वाड्रा एवं अंजलि सिंह हैं। इस प्रकार हमारा आज का स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज नंबर 84 समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।